तो गाइस अगर जी आप भी अपने फ़ोन में वीडियो और फोटो को डिलीट कर दिया होगा, उस डिलीट फोटो वीडियो को वापस कैसे ला सकते हैं। हाँ गाइस, आज की इस वीडियो आपको एक ऐसा ट्रिक बताने वाला हूँ जहाँ से आप अपने डिलीट फोटो वीडियो को वापस ला सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन की। अगर आपने गलती से कोई भी फोटो वीडियो डिलीट कर दिया, अगर जी उस डिलीट फोटो वीडियो को वापस लाना चाहते हैं तो उसे कैसे ला सकते हैं, तो वही आज की इस वीडियो आपको पूरे डिटेल में बताने वाला हूँ कि डिलीट फोटो वीडियो को आप वापस ला सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन की। तो चलिए ले चलते हैं मोबाइल के स्क्रीन पर और आपको वहीं बताते हैं पूरे डिटेल। सबसे पहले आपको यहाँ से अपने फोन में गूगल को ओपन कर लें। तो सबसे पहले आपको यहाँ से अपने फोन में गूगल को ही ओपन करना है। ओपन करने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, आपको यहां से आपका लोगो दिखेगा जीमेल में, तो देख सकते हैं इसका यहां से लोगो दिख रहा है मेरा, तो इस पर आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, आपको गूगल अकाउंट का ऑप्शन मिलेगा, गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। गूगल अकाउंट वाले ऑप्शन पे जैसे ही क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइस आपको देख सकते हैं आपके सामने यहाँ से कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ चुका है। अब आपको क्या करना होगा गाइस, तो देख सकते हैं आपको यहाँ से आपको एक ऑप्शन मिलेगा डाटा एंड प्राइवेसी का, तो देख सकते हैं डाटा एंड प्राइवेसी वाले ऑप्शन पर आपको क्लिक कर देना है। करने के बाद गाइस अब आप क्या करना होगा, आपको नीचे की ओर आ जाना, इस तरह से नीचे कर देते, नीचे इस तरह से एकदम नीचे खिसकाते जाना और नीचे की ओर आना। जैसे आने के बाद गाइस अब आपको क्या करना होगा, आपको यहाँ से एक ऑप्शन मिलेगा गाइस, देख सकते हैं कॉन्टैक्ट सेव फॉरम गूगल सर्विस, तो देख सकते हैं ऐप एंड सर्विस का एक ऑप्शन मिलेगा, उसी में आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉन्टैक्ट सेव फॉरम गूगल सर्विस, तो आपको इस ऑप्शन पे आपको कर देना है क्लिक। जैसे आप क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद गाइस आपको देख सकते हैं कुछ सेकंड वेट करना होगा, तो जैसे वेट करेंगे, वेट करने के बाद ना, तो आपके सामने कुछ इस तरह से इंटरफेस खुल के आ जाएगा। अब आपको क्या करना होगा आपको इस तरह से नीचे की ओर आ जाना, नीचे की ओर खिसकाना, और आने के बाद गाइस आपको यहाँ से फोटो का ऑप्शन मिल जाएगा, देख सकते हैं गाइस फोटो वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक करना है। क्लिक करने के बाद आपको क्रोम पे जाने को बोल रहा है, तो हम यहाँ से क्रोम वाले ऑप्शन पे आ जाते हैं। क्रोम वाले ऑप्शन पे सेलेक्ट कर लेना। सेलेक्ट करने के बाद गाइस आप यहाँ से पता कर सकते हैं गाइस कि कौन कौन से आप फोटो वीडियो डिलीट किए थे, वो सारा आ जाएगा। जितने फोटो वीडियो आप डिलीट किए थे वो सारा यहाँ शो करने लगेगा गाइस। आप उसको जो भी आप यहाँ से रिकवर करना चाहते हैं उसे आप डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मैं दिखा दूँ, कोई से मैंने इतने सारे यहाँ से वीडियो फोटो को डिलीट किया हूँ, तो मैं अगर यहाँ से देख रहा हूँ तो हमें ये फोटो मैं पहले डिलीट कर दिया था, अब इसे मुझे फिर से अपने गैलरी में लेना है, तो कैसे इसे मैं ले जा सकता हूँ, तो आपको क्या करना होगा, उस फोटो जो फोटो को आप सेव करना चाहते हैं उस फोटो पे आपको क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद गाइस आपको क्या करना होगा, आपको थ्री डॉट का ऑप्शन मिलेगा, थ्री डॉट वाले ऑप्शन पे आपको क्लिक कर देना है। तो जैसे कि हम आपको दिखाते हैं, इस फोटो वाले ऑप्शन पे क्लिक करते हैं, थ्री डॉट के ऑप्शन पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद आपको डाउनलोड का ऑप्शन मिल जाएगा, डाउनलोड वाले ऑप्शन पे आपको सेलेक्ट कर देना है। जैसे ही डाउनलोड वाले ऑप्शन पे क्लिक करेंगे ये आपका डाउनलोड हो जाएगा गाइस और आपका गैलरी में चला जाएगा। तो आप यहाँ से जितने सारे फोटो वीडियो डिलीट किए थे और यहाँ से आप सारा एकदम वापस ले जा सकते हैं, वो भी बिना किसी एप्लीकेशन के गाइस। तो जितना आप फोटो को आप यहां से रिकवर करना चाहते हैं कर सकते हैं, जितना फोटो वीडियो को आप यहां से अपने गैलरी में ले जा सकते हैं डाउनलोड करके। तो गाइस यही था एक सिंपल सा ट्रिक जो बिना किसी एप्लीकेशन के फोटो वीडियो वापस ला सकते हैं डिलीट हुआ। तो गाइस ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।